नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज न्यूज में। मैं हूं अमृत सैन और आप देख रहे हैं मन की आवाज न्यूज। राजस्थान में फिर ठंडी का कहर शुरू हो गया है और शीतलहर बढ़ गई। आज पूरे महीने का सबसे ठंडा दिन था। 25 जनवरी की रात्रि और 26 जनवरी की सुबह बड़ी ठंडी थी। रात को लोग अलाव तापते नजर आए, साथ ही साथ बस स्टेशन पर कुछ बाहरी मुसाफिर कहें, मेहमान कहें, एक महाराष्ट्र से आए हुए व्यक्ति से हमारी बात हुई। जब उनसे बात कर रहे थे तो उनका लहका मराठी था। जब हमने उनसे मराठी में बात करना शुरू किया तो वो अचंभित रह गए और सोचने लगे कि यहाँ सवेरे सवेरे कौन मराठी बोल रहा है। लेकिन जब हमने उनसे बात की मराठी में तो बड़ा अच्छा लगा उसको। हमने यहाँ के बारे में पूछा, ठंडी के बारे में पूछा, क्या बताया उन्होंने, किस तरह से वो बात बता रहे थे, कितना अच्छा लग रहा है। ये मंडी के बाहर गोदाराम माली की दुकान और मंडी के बीच में बैठे हुए ठंडी का मजा ले रहे थे और अलाव ताप रहे थे। आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। कुठून आले तुम्ही? महाराष्ट्र मुंबई। काय नाव तुमचं? संदीप पाटील। मुंबई वरून आले? प्रॉपर मुंबई। काय घेऊन आले तिकडे? लग्नाची ऑर्डर घेऊन आलो। टेम्पो ड्रायव्हर आहे। टेम्पो ड्रायव्हर आहे? मग का तिथं महाराष्ट्रामध्ये नाही आहे? थंडी आता 2 दिवस झालं मुंबईमध्ये, ह्यासारखीच आहे। ह्यासारखीच आहे? आधी नव्हती? आता वाढली का? 2 दिवस वाढली। इथं जास्त आहे? किती दिवस राहणार इथं? बरोबर। मग उद्या रात्री इथून निघणार आणि तिकडनं का का कुठल्या दिवशी? काल सकाळी आलो। काल सकाळी आलो? सकाळी 5 वाजता। बरं, इथं काय लग्नाला आलेत? लग्न आहे। बरोबर बरोबर। मग कसं वाटतं इकडे आमच्या राजस्थान? थंडी भरपूर आहे ना? थंडी तर कुछ संपूर्ण देशामध्ये असणार, इथं कसं काय वाटतं, इकडचं वातावरण कसं? असं वाटलं का पहिल्यांदा आला इथं असं वाटलं? नवीन जागेवर आलो असं काय झालं काय? नाही नाही, एकदम लागतं की आपल्या घरीच आहे आपण। हो ठीक आहे। एक महाराष्ट्र है जो मुंबई से आया हुआ है, हमने उससे बात की, वो भी ठंडी के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने मराठी में कह रहे हैं कि भाई वहाँ से आया हूँ और यहाँ पर ठंडी ज़्यादा है, वहाँ तो ठंडी कम है। अभी 2 दिन में वहाँ ठंडी बढ़ी है और उसको लगा कि यार यहाँ का माहौल बड़ा अच्छा है, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। उन्होंने मराठी में ये बताया। ठीक, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।